हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर हिंदी की वर्कशीट करने वाले हैं, जो क्लास एट्थ की है वर्कशीट है, ठीक है। इस वर्कशीट का नंबर रहने वाला है 4, ठीक है बच्चों। आपकी एट्थ क्लास की वर्कशीट है ये हिंदी की, और आपकी सारी वर्कशीट हमारे चैनल पे अपलोड कर दी गई है पूरे वीक की, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल से सारी वर्कशीट कंप्लीट कर सकते हैं। A to Z वर्कशीट हमारे चैनल पे अपलोड की जाती है, ठीक है बच्चों। और जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं, मैं अपने चैनल पे एक गेम स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे। जो भी बच्चा विनर होगा उसके घर पे गिफ्ट सेंड किया जाएगा। उसकी अगर पूरी जानकारी आपको लेनी है तो मैं इसी वीडियो में बताऊँगा। जो बच्चा वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखेगा उसको पता चल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें दिया गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। देखो मेरा वर्कशीट कराने का तरीका थोड़ा अलग है, जैसे कि मैं आपको हैंड टू हैंड करवाता चलता हूँ कि आपको क्या लिखना है, क्या समझना है, ठीक है। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकालेंगे और लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट आप लिखेंगे हिंदी, ठीक है। आप फिर अपना क्लास डालेंगे, क्लास आपकी 8, ठीक है। फिर आप अपनी वर्कशीट का नंबर डालेंगे, वर्कशीट नंबर 4, ठीक है। फिर आप लोग अपनी डेट डालेंगे 3 अगस्त, ठीक है बच्चों। अब आप लोग अपना नाम लिखेंगे, फिर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर आप लोग हेडिंग डालें मुहावरे। देखो हेडिंग डालना बहुत ज़रूरी है, क्यों, जिससे कि आप अगर कल को वर्कशीट करो तो आपको पता लग जाए कि ये वर्कशीट इस टॉपिक की है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर इस टॉपिक के हैं, नहीं तो आपको फिर बाद में कन्फ्यूज़न ना हो कि आपने कौन सी वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर कर रखे, ठीक है। इसलिए आप ना हर वर्कशीट का जरूर टॉपिक डाल लिया करो, ठीक है। ये टॉपिक डालने के बाद आप लोग क्या करेंगे, अपनी नोटबुक साइड में रख देंगे, ठीक है। ठीक है, इसमें दिया गया ऐसे कथन जिनका शाब्दिक अर्थ सामान्य होता है जबकि उसका दूसरा अर्थ विशेष होता है, वे मुहावरे कहलाते हैं, जैसे कमर कसना, ठीक है। देखो शाब्दिक अर्थ आपका अलग है पर उसका एक मतलब अलग निकल के आता है, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया, इस मुहावरे का सामान्य अर्थ कमर को बांधना है, किंतु वही इसका विशेष अर्थ है किसी काम के लिए तैयार होना। उदाहरण, सुनील ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए बिल्कुल कमर कस ली है, ठीक है, वो बिल्कुल तैयार हो चुका है पेपर देने के लिए, ठीक है, ये इसका अर्थ। तो ऐसे ही नीचे हमें कुछ दिए हुए हैं, हम लोग उनको करेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे यही आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। आप लोग इसे क्वेश्चन नंबर 1 करके नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अब आपको लिखना स्टार्ट करना है, इससे पहले आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, ये नोट डाउन करेंगे पूरा क्वेश्चन। नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार आप भी मुहावरों के सामान्य व विशेष अर्थ बताते हुए वाक्यों में प्रयोग करें, ठीक है। तो उसमें आप लोग हेडिंग डालेंगे मुहावरा, सामान्य अर्थ, विशेष अर्थ, वाक्य प्रयोग, ठीक है। फिर आप लोग ये डाल के एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। आपका पहला आ जाएगा यहाँ पे उंगली उठाना, एक नंबर डाल के आप लोग उंगली उठाना लिखेंगे, ठीक है। फिर आपको एजिटिस दिया हुआ, हाथ की उंगली उठाना, ठीक है। सामान्य अर्थ इसका यह है, विशेष मतलब किसी पर दोषारोपण करना, मतलब किसी को ब्लेम करना कि तुमने ये काम किया है, ठीक है, किसी पर दोषारोपण करना। खुद को सुधारने के बजाय दूसरे पर उंगली उठाना बड़ा आसान होता है, ठीक है। ये ऐसे ही इसका एक एग्जांपल देना है आपको, ठीक है। ऐसे ही आप लोग सेकंड करेंगे, ये दो आपके दिए हुए हैं पहले से, तो आप लोग इन्हें कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। पापड़ बेलना, खाने वाले पापड़ बनाना, बहुत संघर्ष में जीवन व्यतीत करना, नौकरी पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, अब आ जाते हैं थर्ड पे। अब ये वाला यहाँ से मैं कराना स्टार्ट करूँगा, आप लोग लिखेंगे हाथ पांव फूलना, ठीक है। फिर इसका सामान्य अर्थ लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे हाथ पांव फूलना, फिर आपको लिखना है इसका सामान्य अर्थ, ठीक है। तो इसका आएगा घबरा जाना, ठीक है, मैं आपको लिखवा देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा आपका घबरा जाना, घबरा जाना, ठीक है। फिर आ जाएगा, तो इसमें क्या लिख सकते हो आप लोग,
ठीक है, सामान्य अर्थ क्या हो गया, हाथ पांव फूल जाना। तो आपका ये विशेष अर्थ में आ जाएगा घबरा जाना, ठीक है। सामान्य अर्थ में आप लोग लिखेंगे, देखो इसमें आप लिखेंगे हाथ और पैर, ठीक है, पैर फूलना, ठीक है, ये आप लिखोगे इसमें, ठीक है, सामान्य अर्थ में। अब इसका विशेष अर्थ आएगा आपका घबरा जाना, ठीक है, आप लिखोगे इसमें घबरा जाना, क्योंकि विशेष अर्थ हमें बताना है, इसमें तो सामान्य है जो अर्थ का मतलब है वही बताना है, तो इसमें आप लिखोगे घबरा जाना, ठीक है बच्चों। फिर वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग में आप लोग लिख देंगे कोई इंसान कब डर गया, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे पंकज पेपर देखकर, पंकज पेपर देखकर ठीक है, आप लोग इसको लिख सकते हैं पंकज के पेपर फूलने लगे पेपर देखकर, ठीक है, जैसे उसने पेपर देखा, पेपर तो बहुत हार्ड है, तो उसका क्या हुआ, हाथ पांव फूलने लग गए, वो डर गया, ठीक है बच्चों। तो ऐसे आपका ये कंप्लीट हुआ, ऐसे ही हम लोग फोर्थ करेंगे। फोर्थ में दिया हुआ है कि लोहे लोहे के चने चबाना, ठीक है, लोहे के चने, तो आप लोग लिखोगे लोहे के चने खाना, ठीक है, इसका एक एक सामान्य अर्थ है खाना। ठीक है, फिर आप लोग इसमें लिखोगे विशेष अर्थ क्या हुआ इसका, मतलब कि बहुत ही कठिनाई वाला काम करना, ठीक है, कठिनाई का काम करना, ठीक है। अब वाक्य प्रयोग में आप लोग लिखेंगे कि किसी का भी नाम लिख सकते हैं, राहुल ने 100 किलो वजन उठाकर बोला, ठीक है, तो उसने जब 100 किलो वजन उठाया तो उसने क्या बोला, लोहे के चने चबाने के बराबर था, ठीक है, तो आप लोग इतना लिख सकते हो वाक्य। अब आते हैं फिफ्थ पे, फिफ्थ में आपने दिया पेट में चूहे दौड़ान, ठीक है, ये तो बहुतों ने सुना होगा, काफी मैंने पहले से सुना होगा ये जो है, ठीक है, पेट में चूहे का दौड़ना, ठीक है। अब इसमें आ जाता है विशेष, विशेष में आप लोग लिखेंगे भूख लगना, ठीक है, आप लोगों ने सुना बहुत जने कहते हैं मेरे तो पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी चलो खाना खाने, ठीक है। राहुल के पेट में चूहे कूदने लगे, भूख के कारण, भूख के कारण, ठीक है। तो ये आपका फिफ्थ कंप्लीट हो गया। सिक्स पे आ जाते हैं मुंह ताकना, ठीक है, आप लोग इसमें लिखोगे मुंह देखना, ठीक है। अब इसका आ जाएगा विशेष, तो
आश्रित होना, आश्रित। तो इसमें लिख दोगे मोहन, मुंह देखता है, देखता है दूसरों का, दूसरों का, ठीक है। अब आ जाते हैं, हमने कितने 6 कर लिए, ठीक है। अब 7 करेंगे, 7 लिखोगे आप लोग। इसमें दिया गया कलेजा ठंडा होना, ठीक है। तो इसमें आप लोग सामान्य में लिख देंगे कलेजे का ठंडा होना, फिर आपका उसमें आ जाएगा राहत मिलना, ठीक है। कलेजा का ठंडा होना, इसमें आपका आ जाएगा राहत मिलना, राहत मिलना। तो इसमें एक आपको उदाहरण देना है, काम करके राहुल को राहत मिली, उसका सारा काम हो गया, तो उसे क्या कलेजे को उसके ठंडक मिली, राहत मिली, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो। अब 8th पे आ जाते हैं, बाजी मारना, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या लिखेंगे, बाजी ठीक है, बाजी मारना। इसमें सेम ही आ जाएगा आपका बाजी मारना सामान्य अर्थ, ठीक है। इसमें आपका आ जाएगा जीत जाना, जीत जाना, ठीक है। इसमें आप लोग लिखेंगे राहुल ने गेम में बाजी मारी, बाजी मारी, ठीक है। वो गेम में क्या उसने बाजी मारी, वो जीत गया, ठीक है। ये आ गया। अब 9 करेंगे, हाथ मलना, लिखेंगे इसमें हाथ मलना, ये भी आपका इसमें सेम आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें आप लोग लिखेंगे पछतावा होना, पछतावा होना, ठीक है। तो इसमें आप लोग लिखेंगे राम तो हाथ मल रहा था, राम लिख दीजिए इसमें, राम गलत करके हाथ मल रहा था, मल रहा, ठीक है बच्चों। अब 10 आ जाते हैं आपका, 10वां, सिर आंखों पर बैठाना, ठीक है। इसमें लिखोगे सिर और आंख पे रखना, ठीक है। इसका सामान्य अर्थ हो गया, ये इसका विशेष अर्थ, मतलब बहुत ज़्यादा आदर देना, बहुत आदर देना, ठीक है। फिर आ जाएगा इसका राम ने तो पार्टी में सबको खुश सिर आंखों पे बिठाया, पर बिठाया, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया 10th। इसके बाद लास्ट आपका 11वां, चार चांद लगाना, इसका सामान्य अर्थ सेम आ जाएगा,
विशेष अर्थ में आएगा रौनक, रौनक फैलाना। अब देखो उसमें कहा जाता है कोई भी चीज़ ऐसी अच्छी कर दी जाए तो उसमें बोलते हैं कि चार चांद लगा दिए। ठीक है, तो लिख सकते हो कि राम ने अपने बर्थडे जन्मदिन, ठीक है हिंदी में लिखोगे आप लोग जन्मदिन, की पार्टी में चार चांद लगा दिए। आई थिंक इसमें इतना ही दिया होता। हाँ, तो आपके 11 के 11 आपको कंप्लीट करने हैं 1 से 11 तक। ठीक है, मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ ये सब आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो फाइनली आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको उसके गेम के बारे में बता देता हूँ, ठीक है, जो भी स्टूडेंट गेम के बारे में जानना चाहता है। तो ये हैं वो आपके प्राइजेज, जो जो भी स्टूडेंट उसमें सेलेक्ट होगा तो उसको ये प्राइज सब मिलेंगे। ठीक है, देख सकते हो आप लोग पूरी लिस्ट है, इसमें पूरा चार्ट दिया हुआ है और इसमें ये भी दिया हुआ है कि आप लोग कैसे इसमें पार्टिसिपेट करोगे। ठीक है, पहले नंबर पे आप देख सकते हो ईयरफोन दिया हुआ है, सेकेंड पे N95 मास्क, फिर आपको वॉलेट दिया हुआ है, वायरलेस हेडफोन है, फिर स्मार्ट वॉच भी है। ठीक है, तो ये सब आपको कैसे मिलेगा इसके लिए मैंने नीचे भी बताया हुआ है। इसमें देखिए यह है एक क्विज कंपटीशन जिसमें मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, आप लोग पार्टिसिपेट कैसे करोगे, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है एक तो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है टेलीग्राम चैनल, आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो इसको। ये ज्वाइन करने के बाद आपको फुल वीडियो, एक तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है तभी स्टूडेंट इसमें जीत पाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ देना है, टेलीग्राम पे या फिर कमेंट में, दोनों जगह देना है। ठीक है, टेलीग्राम पे ज्वाइन होना जरूरी इसलिए है क्योंकि नाम वहीं पे अनाउंस होगा। ठीक है, वीडियो को शेयर करना है अपने 10 फ्रेंड के साथ। ठीक है, अपने 10 फ्रेंड के साथ आपको वीडियो को शेयर करना है जब भी आप वीडियो कंप्लीट करेंगे अपनी, जो आपकी अपनी वर्कशीट की क्लास की है। ठीक है, फिर इसमें दिए गए सेलेक्टेड स्टूडेंट्स नेम अनाउंस ऑन टेलीग्राम, जो स्टूडेंट सेलेक्ट होगा उसका नाम टेलीग्राम पर अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, और गिफ्ट उसके घर पर 1 हफ्ते के अंदर सेंड कर दिया जाएगा जो भी स्टूडेंट विनर होगा। ठीक है, और इसमें बताया गया सबसे ज़्यादा चांस किसके हैं जीतने के। मान लो कि बहुत सारे स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया और वो बहुत सारे स्टूडेंट उसमें आंसर दिया, ठीक है, तो उसमें से जीतेगा वही जिसको जो वीडियो को फुल देखता होगा डे, ठीक है, और डेली वर्कशीट मेरे चैनल से करता होगा और अपने ग्रुप में 10 फ्रेंड के साथ शेयर करता होगा डेली। ठीक है, 10 फ्रेंड को और अपने ग्रुप में शेयर करता होगा तो वही स्टूडेंट डेली वर्कशीट जीतेगा। ठीक है, तो आज के लिए ये वर्कशीट इतनी कंप्लीट हो गई है, तो वीडियो को एक तो शेयर कीजिए और वीडियो को जो बच्चा पूरी देखेगा उसके ज़्यादा चांस है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद जय भारत।